तो दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड, हम इस बारे में पूरे वाकिफ रहते। हमें पता होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड मतलब हमें अपने डेबिट कार्ड नंबर या फिर अपने बैंक डिटेल्स किसी अनजान इंसान को नहीं देने हैं, फिर भी अपने हाथ से कोई चूक हो ही जाती है। हम किसी ना किसी को कोई ना कोई जानकारी दे ही देते हैं और अपने अकाउंट से सारे के सारे पैसे निकल जाते हैं। खास करके आप बहुत जल्दबाजी में हो और खास करके आपको जल्दी में कोई काम करना हो तो आप ऑनलाइन में जाते हो और वहां पे आप कुछ पासवर्ड या फिर किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और आपको नुकसान का भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक महिला है जिनके हाथ से गलती हुई है, और ये गलती भी नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये जानबूझ के उनके ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड से अटैक हुआ है और उनके अकाउंट से पैसे चोरी हुए। तो ये महिला का नाम है मधुरा। मधुरा एक हाउसवाइफ है। करते हैं हम उनसे बात, और ये इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मधुरा जी ने जो गलतियां करी है वो आप ये गलतियां रिपीट ना करें, ना आप ये गलतियां दोहराए, इसीलिए मधुरा जी सामने आई है और उन्होंने सारे हाउस वाइफ या फिर जो भी ओल्ड सिटीजन से मतलब सीनियर सिटीजन से या फिर छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल के, उनको अपील कर रही है इनडायरेक्टली कि आप ध्यान रखें कि आप गलती ना करें। तो मधुरा जी, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मधुरा जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है जिस अकाउंट के हम बात कर रहे हो? मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और काफी सालों से है बैंक में। अच्छा, वो सेविंग अकाउंट है क्या? यस सेविंग अकाउंट है। अच्छा, तो इसके पहले कभी आपने ये फ्रॉड वगैरह ऐसा कोई नोटिस नहीं किया था? मतलब सेफ्टी कैसी है आईसीआईसीआई बैंक की, नेट बैंकिंग सेफ्टी और वो सब कैसा है? बाकी सेफ्टी वाइज एवरीथिंग अभी तक तो अच्छा चल रहा था। फ्रॉड कॉल्स तो सबको ही आते हैं बट अभी तक मैं फंसी नहीं कभी किसी कॉल में। मुझे लगता था मैं स्मार्ट इन आई एम स्मार्ट इनफ कि मैं फंसूंगी नहीं। ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, ये सब चीजें बेसिक सबको पता होती है बट इसके नेक्स्ट लेवल के भी फ्रॉड हो सकते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले। राइट करेक्ट करेक्ट। क्या था वो एग्जैक्टली यस इंसिडेंट, क्या था मतलब आपसे कैसे चोरी हुई आपके यस अकाउंट से? ओके इंसिडेंट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। कल का ही इंसिडेंट है। मेरा एक्चुअली गूगल पे चल नहीं रहा था और मैंने सोचा कि चलो हम लोग क्या करते हैं कस्टमर केयर से बात करते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लगा था ऐसे-ऐसे बैंक को तो उन्होंने अकाउंट टेम्पररीली होल्ड किया था। मैंने कॉल करके बताया कि वो मेरा ही ट्रांजैक्शन है तो उन्होंने अकाउंट रिलीज कर दिया। बट इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ ऐसा मुझे लगा था क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा था। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने आईसीआईसीआई के वेबसाइट से नंबर नहीं लिया, मैंने गूगल कर दिया और गूगल में जो हाईलाइट हुआ था नंबर सबसे ऊपर वो फ्रॉड कॉल का नंबर था और वहां पे बाप लिखा रे था आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर। बाप रे, और उससे ऐसा हुआ कि जब मैंने कॉल किया तो ऐसे हिंट्स मुझे मिले कि ये शायद फेक कॉल हो सकता है। बट मैं भी जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। मुझे बाहर जाना था, मुझे जल्दी निपटाना था काम तो ये निपट के मैं चली जाऊँ ऐसे इंटेंशन से मैंने फोन उठा लिया कर दिया उनको खुद से ही कॉल किया मैंने। एंड फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट होल्ड पे हो गया है तो होल्ड हो गया या क्लोज हो गया ऐसे कुछ बोला। एंड आपको हम बताएंगे वो सब आप प्रोसीजर कीजिए आपका अकाउंट चालू हो गया। लेकिन जब नंबर आपने फोन किया, आपने वो नंबर पे कॉल किया, तो हमेशा जैसे अपनी बैंक की जो पॉलिसी होती है, हमें पता रहता है एक दबाओ हिंदी आएगा, दो दबाओ इंग्लिश आएगा, उसके बाद कार्ड डिटेल्स एग्जैक्टली मांगते हैं, उसके बाद कुछ कुछ मांगते हैं, उसके बाद हमें अपने बैंक का तो पता रहता है। तो आपके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? वो वाला नंबर पे क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस क्या था? हुआ डायरेक्ट कॉल लग गया था कि कैसा हुआ? डायरेक्ट लग गया था। यही एक डिफरेंस है फेक कॉल और आईसीआईसीआई बैंक के कॉल में। आईसीआईसीआई पे जब या फिर कोई भी बैंक के आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो तो आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है कम से कम या दस करेक्ट मिनट करेक्ट करेक्ट। इमीडिएटली लगता नहीं वो 10 नंबर ये दबाओ वो दबाओ वो दबाओ बोलेंगे आपको एंड उसके बाद ही लगता है। तो जैसे ही मेरा कॉल लगा उस मोमेंट मेरे दिमाग में आया कि डायरेक्ट कैसे लग गया कॉल। अच्छा, बट हुआ क्या वो लोग आपको इतना उलझा देते हैं बातों में कि आप सोच ही नहीं पाते। बहुत अच्छा, स्मार्ट होते हैं वो लोग, वो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अरे रे रे रे। फिर उन्होंने आपका, जब जैसे कॉल लगा, उन्होंने आपको बोला होल्ड पे
है आपका अकाउंट, वहां तक हम आए थे, तो आगे क्या हुआ फिर, आगे उन्होंने क्या आपको बोला? यस, उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया उनका, तो कुछ चीजें हमको पता नहीं है जो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग या फिर एक हाउसवाइफ, मुझे आज तक ये नहीं पता था कि एक ऐप होता है जो डाउनलोड करने के बाद हम हमारा फोन का पूरा मोबाइल एक्सेस किसी और को दे सकते हैं. ये हमको नहीं पता होता. तो हमको इतना ही बैंक बताती है कि OTP शेयर मत करो या डेबिट कार्ड शेयर मत करो, बट हमको ये नहीं पता कि कोई एक ऐसा ऐप भी होता है कि जो ऐप से कोई कहीं और बैठ के हमारा फोन एक्सेस कर सकता है. तो उन्होंने वही किया, मुझे बोला ऐप डाउनलोड करो, एंड उन्होंने वर्ड यूज किया ICICI Any. तो ऐसा कोई ऐप है नहीं, वो है एनी डेस्क कंट्रोल ऐप. तो मैंने कोशिश भी की, मैं जैसे मुझे आदत होती है हर चीज की कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके डाउनलोड करूँ, बट वो लोग इतना माइंड कंट्रोल करते हैं हमारा कि हमको सोचने का भी वक्त नहीं. आदमी था कि औरत थी सामने? आदमी था. अच्छा, हिंदी में बात कर रहा था कि इंग्लिश में? यस, हिंदी में था, हिंदी में बात. अच्छा, फिर उन्होंने आपसे ऐप डाउनलोड करवाया, और ऐप डाउनलोड करवाने के बाद क्या करवाया उन्होंने? उन्होंने एक्चुअली जो भी मुझे प्रोसेस बताया वो आई मोबाइल में करने के लिए बताया, तो शायद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा स्क्रीन देख पा रहा है. ओके. वो ऐप की वजह से. तो मुझे लगा कि वो मुझे OTP पूछेंगे तो वहीं पे मैं पकड़ लूंगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं. तो यहाँ पे मैं फंस गई. हमको लगता है कि ये फ्रॉड कॉल होगा तो ये OTP पूछेगा, बट उसने पूछा नहीं. ओह गॉड. या फिर कोई भी बाकी डिटेल्स पूछा नहीं उसने. तो मैं सिर्फ वो जैसा बोल रहा था वैसे करे जा रही थी, और आई वॉज टोटली कंट्रोल्ड बाय हिम. मेरा माइंड टोटली वो जैसे बोल रहा है. मैंने क्रॉस क्वेश्चंस किए उसको, नहीं ऐसा नहीं, बट पता नहीं उसने मुझे उलझा दिया उसकी बात. अरे अरे, मतलब हिप्नोटाइज टाइप उन्होंने कर दिया कि उन्होंने बोल ही दिया कि मैं आपका काम सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको पेमेंट भी अर्जेंट करना था, तो आपको लग रहा था काम सॉल्व होगा, मैं पेमेंट कर दूंगी खटाक करके और बाहर जाऊंगी. कोई बिलीव नहीं करेगा कि कॉल पे हिप्नोटाइज कैसे हो सकता है. आई थिंक वो उनके अंदर कुछ स्मार्टनेस है कि वो अपना सामने वाले का माइंड कंट्रोल करके रखते हैं या हिप्नोटाइज करते हैं, वो उनको ही पता है. हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं उनको, और फिर हो जाती है गलती इंसान से. और हमको लगता है हम ओवर स्मार्ट है, हम इतने स्मार्ट हैं कि ऐसे गलती नहीं करेंगे, हमको सबको लगता है, पर किसी न किसी से कभी ना कभी ऐसी गलती हो सकती है. नहीं, लेकिन अभी वो जो ऐप आपने डाउनलोड किया, तो आपको क्या लगता है उन्हें कैसे पता चला कि आपके बैंक डिटेल्स, मतलब आपका बैंक का लॉगिन और बैंक का पासवर्ड, वो उनको कैसे मालूम गिरा रहेगा? नहीं, उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि QR कोड पे आपका डेबिट कार्ड स्कैन कर. तो वहां पे गलती हो गई. मुझे लगा ये तो मुझे पूछ नहीं रहे हैं नंबर वगैरह, तो शायद फ्रॉड नहीं होगा, कुछ तो रीजन होगा इसलिए बोला होगा. और मैं जल्दी में थी, मुझे बाहर जाना था काम निपटा के, तो मैंने स्कैन कर दिया और उनको पूरा डिटेल्स वहां पे मिल गया मेरे डेबिट कार्ड. अच्छा. एंड QR, जब ICICI बैंक में एक एनी टाइम QR कोड कुछ होता है वहां पे नीचे बॉक्स है, तो वो हम ओपन करते हैं तो मोबाइल का कैमरा ऑन होता है. तो वो कैमरा में मेरा QR कोड जो सॉरी मेरा जो डेबिट कार्ड है वो दोनों साइड से स्कैन हो गया था, मतलब फोटो ले लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया. अच्छा, मतलब ऐप के थ्रू उन्होंने मोबाइल एक्सेस किया, आपसे डेबिट कार्ड का पूरा स्कैन कर लिया. अब डेबिट कार्ड का पासवर्ड उनके पास कैसे आया, फिर पिन कैसे आया उनके पास? एक्चुअली मोबाइल एक्सेस उनको मिल गया था, उन्होंने डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट किया होगा. एंड मुझे बोला आपको कुछ मैसेज आया होगा, आप चेक करेंगे. तो मैंने बोला, मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखा, बट वहां पे नीचे एक दो मैसेजेस में कुछ था. उन्होंने मुझे वहां से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं मुझे लगा कुछ फिशी है, तो मैंने बैक कर दिया, बट उन्होंने उतने टाइम में देख लिया. अच्छा, OTP उनको मिल गया. एंड वो फोन कट करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि वो OTP था, ऐसा कुछ हो गया. और तुरंत आपको फिर अमाउंट डेबिटेड का मैसेज भी आ गया रहेगा, पैसे गए अकाउंट से. वो तो और लूटने के इसमें से, आपके पास क्रेडिट कार्ड है क्या, आपके हस्बैंड और 20,000 डिपॉजिट कर सकते हैं क्या. तो मुझे उस टाइम पे जब वो ये सब बोल रहे थे उस टाइम पे मुझे डाउट आया था, बट तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था. मतलब बातों में इतना उलझा देते हैं, अपने को लगता है अपना काम होने वाला है और फिर हम उनके साथ बात करते रहते हैं और वो जो मांगते हैं हम देते,
क्योंकि एक होता है ना गूगल पे वगैरह आजकल इतना डिपेंडेंसी आ गई है उस पे कि वो नहीं हुआ कि अपने को थोड़ा सा तकलीफ होता है यार कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है और ट्रांजेक्शन अटक जाते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। फिर आपको तुरंत मैसेज आया, लेकिन उनको कैसे पता चला कि आपके अकाउंट में कितनी 20,000 कुछ अमाउंट थी ना अकाउंट में, उनको कैसे पता चला? 20,800 एक्चुअली वो मुझे बार बार मोबाइल आई मोबाइल ऐप एक्सेस करने के लिए बोल रहे थे ना, तो जब मैंने चेक किया होगा बैलेंस तो उनको दिख गया होगा, बिकॉज मेरा मोबाइल का स्क्रीन वो लोग देख रहे थे तो कितना बैलेंस है उनको पता था। अच्छा, इसलिए ट्रांजेक्शन उनका ये भी बाउंस भी नहीं हुआ, एकदम क्लियर ही हो गया वो ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा। ओके ओके ओके। एंड मुझे ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया कि तो आपका अमाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि ये जब कॉल चल रहा था तभी मैसेज आया था और तब मैं उन्होंने तब मुझे उलझा दिया था। और इसमें हर्टिंग बात क्या होती है, कुछ कुछ हाउस वाइफ से इंडिया की, जैसे मधुरा जी है, अपने फैमिली के लिए कुछ कुछ ऐसे पैसे इकट्ठा करती रहती है बैंक अकाउंट पे, किसी को बताती भी नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे है, वो जानबूझ के अपनी सेविंग रखती है, फैमिली को कोई इमरजेंसी आए तो फिर वो वहां काम आएंगे। और ऐसे पैसे चोरी हुए ना तो बहुत दर्द होता है, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा ये इंसिडेंट जब मैंने सुना एक्चुअली, तो मुझे बहुत बुरा लगा था एक्चुअली। लेकिन इमिडिएटली जैसे आपको पता चला आपके अकाउंट से 20,000 निकल गए, तो आपने क्या एक्शन लिया, सबसे पहले आपने क्या किया? मेरा तब मुझे 70% श्योरिटी था कि ये बंदा फ्रॉड है, मैंने इमिडिएटली कॉल किया। 30% अभी भी रहता है इंसान के अंदर पॉजिटिविटी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर भी मैंने कॉल बैक किया सेम नंबर पे और उन्होंने उठाया भी। मैंने बोला कि एक्चुअली उन्होंने पहले मुझे बोला था कि आप कल तक कोई ट्रांजेक्शन मत करना, कल से आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ऐसे मुझे फोन रखने के पहले बोला था। बाद में मेरा जो 20,843 बैलेंस था वो 43 हो गया, तो मुझे ध्यान में आ गया कि मेरा समय साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, बट 30% कुछ ना कुछ मेरे अंदर पॉजिटिविटी था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे मेहनत की कमाई है या मेरी जो सेविंग है वो मेरे मेहनत की सेविंग है, मेरे हस्बैंड ने कमाए हैं और मैंने भी थोड़े बहुत उसमें से कमाए, तो मेरी हमारी मेहनत की कमाई कहीं ऐसे कैसे खा सकता है। तो मैंने कॉल किया और मैंने बहुत उस टाइम पे भी बहुत हल्ला नहीं किया, एकदम शांति से पूछा कि मेरे अकाउंट के पैसे कहाँ गए। तो वो बंदा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता नहीं, मैडम कुछ डिडक्ट नहीं हुआ ऐसे ऐसे बोल के बाद में उसने काट दिया। जैसे उसने काटा तो जो मेरा 70% था कि फ्रॉड हुआ है वो 100% श्योर हो गया मुझे कि फ्रॉड है। और जैसे ही उसका फोन कट हुआ मैंने सबसे पहले वो ऐप जो डाउनलोड करने लगाया था उसने वो डिलीट कर दिया, मैं समझ गई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और वो डिलीट कर दिया। अच्छा अच्छा, अभी मोबाइल आपने मेरे ख्याल से फॉर्मेट करना ज्यादा अच्छा है, और कुछ वो ऐप के कारण मोबाइल में आया रहेगा तो है ना, फैक्ट्री रीसेट करके लेना ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद आपने वो बंदे को फिर कॉल करने की कोशिश करी उनको? मैंने एक्चुअली उसके बाद सबसे पहले ICICI को कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट इजीली मैं रजिस्टर्ड जो ओरिजिनल कस्टमर केयर नंबर है वो निकाला और वहाँ ट्राई किया बहुत, मेरी आज बात हुई है उनसे और अभी थोड़ा बहुत चल रहा है प्रोसेस, बट कल ये प्रोसेस में ना उनसे ये बंदे को मैंने बाद में फोन नहीं किया कि मुझे समझ में आ गया था ये फ्रॉड है, इसको मैं फोन करके बोलूं क्या, तो मैंने क्या किया आज मैं ट्राई कर रही हूँ तो शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, अभी कोई बात नहीं होता। बराबर, ये लोग क्या करते हैं अकाउंट से पैसे एक बार निकले कि ब्लॉक कर देते हैं कि ताकि हम उनका लोकेशन वगैरह ना ढूंढ पाए, और इनको कहीं ना कहीं पता है कि इंडिया की जो प्रोसीजर है, जो चोरों को पकड़ने की प्रोसीजर बहुत स्लो है, तो इनको उस बात का एडवांटेज मिलता रहता है कि हम इतना फॉलो अप नहीं लेंगे, अमाउंट 20,000 की है चलो गई ऐसा हो गया, वो ऐसा ये एक्चुअली इशू है। तो अभी कैसा है ये अमाउंट मेरे लिए सिर्फ कम है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बट किसी आदमी की सैलरी हो सकती है पूरे महीने, किसी की बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। करेक्ट, सीनियर सिटीजन की कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली, उनकी तो पूरी जमा पूंजी हो सकती है जिंदगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ऐसे में अगर मैंने देखा है कि अपने को एक्चुअली पता रहता है कि गलती हो सकती है, फिर भी हम कर देते हैं गलती, गलती हर कोई करता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो गलती करता है उसके ऊपर ब्लेम आता है, तो आपके ऊपर क्या आसपास के लोगों ने कुछ बोला कि तुमने ऐसे कैसे, तुम इतने पढ़े लिखे हो कैसे गलती करी, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि सपोर्ट ऐसा होता है? जनरली सिर्फ मेरे हस्बैंड है जिन्होंने अभी तक मुझे कुछ बोला नहीं,
क्योंकि उनको पता है कि मैं किस स्टेज से गुजर रही हूँ अभी. बट जनरली लोग जज करते हैं, मैं भी एक जमाने में जज करती थी. अभी तक करेक्ट करेक्ट ऐसा करेक्ट हुआ है मेरे साथ में कि मैंने सुना किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का केस, तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे यार ओटीपी दे दिया. अभी हमको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है, तो हम लोग जज करने लगते हैं ऐसे कैसे आपने ओटीपी दे दिया या फिर ऐसे कैसे करेक्ट फ्रॉड करेक्ट हो गया आपके साथ. बट हर हमको ये नहीं पता कि जो फ्रॉड कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा शातिर है. करेक्ट वो करेक्ट नए नए टेक्निक्स यूज करते हैं और हमको फंसाते हैं. मतलब दूसरों को जज करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे आती है हाँ तब पता चलता है कि यार मेरे से भी गलती हो सकती है। लोग सोशल मीडिया पे यस मस्त मेरे कमेंट साथ पास सेम ही करते हैं, इतना समझ में नहीं आता क्या ये वो, लेकिन जब खुद आप उसमें इन्वॉल्व होते हो ना, तभी आपको अकल आती है कि यार ये हाँ कुछ तो भी मेरे साथ भी हो सकता है, ये मैं भी कोई ये 30 मार खा नहीं हूँ, एकदम बड़ा वाला 30 मार खा नहीं हूँ। हाँ करेक्ट एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ है कि मुझे करेक्ट अभी तक करेक्ट लगता था कि ऐसा कोई मतलब आप तो सबको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो आप ऐसे कैसे ओटीपी दे देते हो, ऐसा हम जज कर सकते हैं. बट जब अपने साथ होता है ना, हम समझते हैं कि नहीं, गलती हम भी कर सकते हम हैं. भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे हुए तो क्या हुआ, यस गलती तो हो ही जाती है। करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट 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 करेक्ट. अभी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब एंड का आखिरी क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या ओके मैसेज देना चाहोगे? मेरा एक्चुअली सबसे यही है कि ये जो चोर होते हैं ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स, वो कुछ ना कुछ नया करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं. अब सबको पता है ओटीपी नहीं देना है, तो वो ट्रिक यूज नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ नया करेंगे और आपको फंसाएंगे. तो आपको अलर्ट रहना है. ये वीडियो हम लोग इसलिए आज इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि और कुछ नए टेक्निक आ सकते हैं. तो कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है. सबसे पहले आपका जो भी बैंक है, वो आपको जो नंबर आप कॉल सेंटर का यूज करोगे वो गूगल नहीं करना है. जो मिस्टेक मैंने की है, आपको वेबसाइट पे आपको उसका कस्टमर केयर मिल जाएगा. आपको वेट करना पड़े करो, कुछ अर्जेंट काम है छोड़ दो उधर ही, ये काम बाद में करो क्योंकि ये शांति से करने वाला काम है. पैसे का मामला शांति से करो, कभी भी जल्दबाजी में करोगे तो मेरे जैसे मिस्टेक हो जाएगी आपकी भी. करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट यस कभी भी आपको लगे कि कुछ फिशी है कॉल में, तो आप वहीं पे कॉल कट कर दो ताकि आप वो बंदे से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और सोच पाओ कि ये फ्रॉड है क्या. और एक गलती मेरे से ये हुई थी कि जब गूगल पे से मैंने नंबर निकाला था, मैंने वो नंबर एज ICICI कस्टमर केयर सेव कर लिया. तो जब मैं उससे बात कर रही थी फोन पे, मेरे पास ट्रू कॉलर भी है, मैं उतनी अवेयर हूँ, मुझे पता है कि स्कैम से फ्रॉड से कैसे बचना है, मेरे पास ट्रू कॉलर भी है. बट मैंने वो नंबर सेव कर लिया था. उसकी वजह से मिस्टेक क्या हुई, जब मुझे शक आया मैंने देखा जाके ट्रू कॉलर पे, वहां पे मुझे ICICI बैंक कस्टमर केयर नाम दिखा, बिकॉज मैंने वैसे सेव किया था और इसलिए मैंने ट्रस्ट कर लिया. तो ऐसे मिस्टेक्स हमसे हो सकती है, तो जस्ट ये शेयर करना था. ट्रूकॉलर मतलब पूरा बेसिक डिटेल, ओरिजिनल डिटेल नहीं बताता है, आपने जो फोन में सेव किया है वो प्रायोरिटी हाँ पे बताता सेव है, किया है बाद में या फिर ओरिजिनल डिटेल उन्होंने बताता जो अपडेट किया है अपना डिटेल्स वो बता सकता है, वो बताता है। करेक्ट, तो ये भी है. एक सीखने वाली बात है कि, और गूगल पे आपको पहले नंबर पे ICICI का नंबर दिख गया था, जैसे आपने सर्च मारा तो पहला ही दिखा यस ICICI। ओ मैंने गॉड पता नहीं ऐसे क्या टाइप किया होगा, ओ तो गॉड उसमें मैंने मतलब 2-3 बार टाइप करके देखा, तो जो हाईलाइट हुआ नंबर वो मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया, ज्यादा सोचा नहीं कि ये. और ओ वो गॉड नंबर भी ऐसा था ना, कॉल सेंटर जैसा ही था, 1800 से ही स्टार्ट होना था, ओ गॉड, ऐसा नहीं कि बाप रे, मोबाइल नंबर, इसलिए मैंने ट्रस्ट कर लिया. मतलब 180 वाले नंबर भी अभी रिलायबल नहीं है, ये फ्रॉड्स बहुत है यस इम्पोर्टेंट करेक्ट बात है। और किसी ने मोबाइल में ऐप डालने को बोला तो नहीं डालना है, किसी और के मर्जी से यस हमने कोई भी एक्शन नहीं करनी है अपने साथ, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सीख सही है। मैं आपको बताऊं कि मधुरा जी बहुत अच्छी डांसर भी है, तो बात बहुत बहुत बढ़िया डांसर है, ग्रेसफुल डांसर है, हमने लॉकडाउन में उनके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हुए हैं फर्स्ट लॉकडाउन में। तो मधुरा जी थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमें एक्चुअली मौका दिया कि मैं 4 लोगों को बता पाऊँ कि आप ये गलतियां रिपीट ना करो, आप भी पढ़े लिखे हो, मधुरा जी भी पढ़े, सब पढ़े लिखे तो भी ये गलतियां होती है, ये गलतियां दोहराइए ना, इसलिए ये कॉल, ये इंटरव्यू हमने एक्चुअली अरेंज किया। थैंक यू सो मच मधुरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड जस्ट
सबसे यही कहूंगी कि कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करे, आपका मेहनत का पैसा है, तो सोच समझ के आप डिसीजन लेना, मेरी जैसी गलती मत करना प्लीज।